गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, और चैप्टर 5.1 के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो एक्सपोनेंट किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता लग जाएगा कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और उसी को पावर भी बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अभी आपको पता लग जाएगा एक्सपोनेंट क्या है और वो जो उसका बेस है वो क्या है। ये 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है 7 टाइम्स। तो मैं इसको यहां पर ये लिख देता हूं -7, ये मैंने -7 लिखा और कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, 7 टाइम। तो ये 7 जो है एक्सपोनेंट हो गया इसका। ये जो पावर है ये किसकी पावर है, -7 की पावर, ये बेस हो गया है। दिस इज बेस, दिस इज पावर, पावर मींस एक्सपोनेंट और ये बेस है -7, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं इसमें कि माइनस जो है अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होता है 1 3 5 7 तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, और माइनस अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होता है लाइक 2 4 6 8 तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। ये चीजों का ध्यान रखना। तो पावर एक्सपोनेंट आपको पता लग गया, ये तभी आता है, पावर बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस में ऐसा नहीं आएगा, प्लस में तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आप बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर जितने टाइम्स आ रहा उतना उसके ऊपर लगा देंगे। इसमें देखो 4/7, ये देखो, और यहाँ उसके बाद डैश डैश कर रखा, हमें ये नहीं पता कि ये कितने हैं, लेकिन लास्ट में क्या दे रखा, एन टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या आएगी, एन आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है 4/11, और कितने टाइम्स है ये डैश डैश डैश, कितने टाइम्स है, एन टाइम। तो इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसका एन हो गया है। तो दिस इज एक्सपोनेंट पावर, ठीक। अब ये इवेल्युएट, इवेल्युएट इसको सॉल्व करना है, मतलब ये बेस है, ये -11 की पावर 3 है, -11 की पावर 3 है, -11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, -11 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -11। अभी मैंने बताया था कि अगर माइनस जो है 1 3 5 7 टाइम ऐसे आएगा ऑड में तो आंसर में भी माइनस ही आएगा, आंसर में माइनस आएगा। अब आपको 11 × 11 × 11 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1 3 1 3 3 1, 11 को 11 से और फिर 11 से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ऑड टाइम्स है। तो इवेल्युएट में ये आंसर आ गया। अब यहां पर लिखा हुआ एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, वही मैंने अभी बताया एक्सपोनेंट का मतलब पावर, मतलब इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब पावर के फॉर्म में। अभी ये पावर के फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 729 के फैक्टर करेंगे। यहां पर ऐसे अलग से फैक्टर दिखा सकते हैं आप, ये 729 आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 9 से, देखो 9 8 72, 9 1 9 और 9 9 81 और 9 1 9, यानी 729 का मतलब हो गया है 9 × 9 × 9 और अपॉन ये 13 यानी 1331 के जो फैक्टर होते हैं। अभी अभी देखो हमने, ये देखो ये 11 × 11 × 11, इसको लिख सकते हैं हम 11 × 11 × 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 की पावर हो गई 3 अपॉन 11 की पावर हो गई है 3, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, 9 अपॉन 11 को एक साथ लिखेंगे और पूरे की पावर, इसकी भी 3 है इसकी भी 3, पूरे की पावर हो गई 3। तो ये जो इसमें था रेशनल नंबर के फॉर्म में था, एक फ्रैक्शन था, इसको हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया है।
यानी पावर के फॉर्म में चेंज कर दिया है। ये बेस है, 9/11 बेस है, किसका बेस, इस पावर का ये बेस है, बेस एंड ये पावर। तो इस तरह से ये चैप्टर एक्सपोनेंट और पावर के कुछ सब मैंने आपको ये कराए हैं इसमें।